दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रजा इंटीरियर में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक RGB लाइट जो कि दोस्तों मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज की है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। इस लाइट को आप किस किस तरीके से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आप जो ग्रीन कलर की शेड बनी देख रहे हैं, जो ग्रीन कलर की लाइट देख रहे हैं दोस्तों, वो इसी RGB लाइट की है। मैंने दो लाइट की जो है वो परचेज की है। तो चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो में जो है इसके बारे में जो है वो बात कर लेते हैं पूरा अनबॉक्सिंग वगैरह करके, और इसमें क्या क्या आपको देखने के लिए मिल जाता है वो सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल का आइकन को दबा लीजिए आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से परचेज की है। तो ये है एक एवेन्यू कंपनी की RGB लाइट है, और इस RGB लाइट की ये जो लाइट है दोस्तों ये 50 वॉट की लाइट है, और इसमें आपको दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको IP65 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाती है, यानी ये एक वाटरप्रूफ कंपनी क्लेम करती है कि ये एक वाटरप्रूफ लाइट है। यानी अगर आपको इसमें मतलब पानी की छींटे वगैरह चली जाती हैं या कोई भी ऐसी कंडीशन में आप आ जाते हैं जहाँ पर पानी है, तो दोस्तों वहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। अब इसमें दोस्तों आपको जो LED बल्ब मिल जाते हैं वो 50 LED बल्ब इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर इसको ओपन करके भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसके साथ में दोस्तों एक रिमोट आता है, RGB रिमोट है। इसमें आपको 16 कलर देखने के लिए जो है वो मिल जाते हैं, यानी 16 कलर आप इस लाइट में एक साथ जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये रिमोट कंट्रोल जो है वो दिया गया है। ये जो लाइट है पूरी, इस लाइट को आप रिमोट से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जो लाइट है दोस्तों, अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें 50 LED बल्ब जो है वो दिए गए हैं। मैं बिल्कुल क्लोजली करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बल्ब दिए गए हैं 50 LED बल्ब इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर आपको एक स्टैंड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है, इसको आप कुछ इस तरीके से आप रख सकते हैं, और अपने बैकग्राउंड में अगर आप रखेंगे तो नीचे आप रख के फर्श पर आप रख करके इसको, और जो पूरा इफेक्ट पड़ेगा इसका सारे कलर का, तो वो दोस्तों आपकी वॉल पर जो है वो पड़ेगा, तो बहुत अच्छी आपकी वॉल जो है वो लगेगी। या इसको आप दोस्तों जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी दो वॉल हैं और उनका जो कॉर्नर आ रहा है, तो उन कॉर्नर के बीच में आप जैसे बेड के पास में आप फ्लावर वगैरह जो रखते हैं, तो उनके पीछे भी आप बेड के बैक वॉल पर आप जो है वो फ्लावर वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पर भी इस लाइट को आप लगा सकते हैं, और फ्लावर पर जो इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो पड़ेगा। अब इसका दोस्तों मैं आपको यूज़ जो है वो बता देता हूँ, इसको आपको कैसे यूज़ करना है। तो ये जो स्टैंड दिया गया है, इसको नॉर्मली आप दोस्तों यहाँ पर ये जो स्क्रू दिए गए हैं, जो पेंच वगैरह दिए गए हैं, इनको आप टाइट और मतलब हल्का कर कर भी आप इसको जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, या टाइट इसको करके आप वॉल पर भी जो है वो डायरेक्ट लगा सकते हैं, और इसको अपनी मर्ज़ी से ऊपर नीचे जो है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए ये स्टैंड आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर क्योंकि ये एक AC लाइट है, यानी आपको डायरेक्टली आप इसको लाइट से जो है वो जला सकते हैं। इसमें जो है वो दोस्तों ये एक वायर देखने के लिए आपको मिल जाती है, प्लस माइनस का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि ये एक AC है। तो इसमें आप डायरेक्टली वायर जोड़ करके और अपने प्लग वगैरह में लगा करके इसको डायरेक्टली जो है वो जला सकते हैं। अब क्योंकि मैंने एक लाइट जो है वो जलाई हुई है, तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कलर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने जो लाइट है इसको, इसमें वायर जो है वो जोड़ी हुई है, तो इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी कॉपर वगैरह की जो भी वायर हैं आपके पास, 5 mm 7 mm की जो भी वायर हैं आप ले सकते हैं, और इसको बहुत ही आसानी से जोड़ करके और इस वायर को जोड़ करके आप इसको बिल्कुल जला सकते हैं, और अपने बैकग्राउंड वगैरह में अगर आप रखना चाहते हैं या फ्लावर वगैरह के पीछे जो रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ पर ग्रीन कलर हो रखा है, तो ये इस रिमोट से पूरा कंट्रोल मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस लाइट को मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बिल्कुल नहीं छूने वाला हूँ, सारा जो रिमोट कंट्रोल है वो आपको यहाँ से करके दिखाने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल से हमारे पास में जो है वो आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट है, ये जैसे कि यहाँ पर आप पीछे बैकग्राउंड में भी देख रहे होंगे, तो ग्रीन लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद में अब जैसा कि मैं यहाँ पर रेड ऑप्शन चूज़ करता हूँ, तो रेड ऑप्शन को जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर रेड लाइट जो है वो हो जाती है, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं। तो ये लाइट का जो इफेक्ट है आपको रेड कलर का देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद आप इसको ग्रीन वगैरह कर सकते हैं, ग्रीन वाला ऑप्शन अगर आप प्रेस करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप ब्लू वाला ऑप्शन प्रेस करते हैं तो दोस्तों ये लाइट जो है वो आपकी ब्लू हो जाएगी।
तो इसी तरीके से आपको जो है वो 16 कलर्स देखने के लिए इसमें मिल जाते हैं। आप अपनी मर्जी से, जैसे मैं येलो यहाँ पर प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ येलो टाइप का कलर आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाता है। और इसमें बहुत सारे और भी मोड जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एक फ्लैश वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। जब आप फ्लैश वाला ऑप्शन जो है वो प्रेस करते हैं तो ये आपकी जो लाइट है वो आपको फ्लैश होती हुई दिखाई देगी, यानी थोड़ी मतलब कम स्पीड से आपको ब्लिंक होती हुई जो है नज़र आएगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको स्ट्रोक का एक ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये आपको स्ट्रोक का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप स्ट्रोक पर क्लिक करेंगे तो ये लाइट आपको कुछ मतलब जल्दी जल्दी से ब्लिंक होती हुई नज़र आएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है फेड का, तो फेड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी लाइट जो है वो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट आपको फेड होती हुई नज़र आएगी। जैसा कि आप जो लाइट हल्की सी डिम होगी उसके बाद दूसरा कलर आपको नज़र आएगा, तो इसी तरीके से ये लाइट आपकी फेड होती हुई आपको दिखाई देगी। इसके बाद एक स्मूथ वाला ऑप्शन और आपको मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही मैं स्मूथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये जो लाइट है आपकी जो है वो बहुत थोड़े टाइम पीरियड में जो है वो स्मूथ होती हुई आपको नज़र आएगी, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट जो है वो ये डालती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से बैकग्राउंड के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, मैंने अभी अपने बैकग्राउंड में इस लाइट को जो है वो दोस्तों रखा हुआ है। देखिए मैंने अपने बैकग्राउंड में इस लाइट को रख लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में अभी जो लाइटिंग इफेक्ट आप देख सकते हैं, ये दोस्तों ये स्मूथ वाला मैंने किया हुआ है और ये पूरा लाइटिंग का ऑप्शन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइट जो है वो चलती है। अब इसको मैं आपको दोस्तों इसके प्राइस वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप इस लाइट को अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, यानी ऑफलाइन मार्केट से ये आपको बहुत ही कम प्राइस में जो है वो पड़ने वाली है। आपको इसका आपको फाइनल प्राइस बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका ऑनलाइन प्राइस जो है वो क्या है और ऑफलाइन प्राइस जो है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से इस लाइट को जो है वो परचेज़ करते हैं तो आपको ये लाइट जो है वो थोड़ा महंगा पड़ने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी भी जाकर के इसको लाइट को ट्राई करेंगे तो आपको लगभग फ्लिपकार्ट पे इसके जो सेल प्राइस आ रहे हैं वो 300 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक आ रहे हैं। इस लाइट वाले बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके की जो लाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। वैसे RGB लाइट बहुत सारी होती हैं, तो कुछ इस टाइप ये लाइट के मैं आपको प्राइस जो है वो बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसको दोस्तों ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ करेंगे तो यही लाइट आपको केवल 200 रुपये से 250 रुपये के बीच में आपको ये लाइट जो है वो मिल जाएगी। और मैंने इसीलिए ये लाइट जो है वो ऑफलाइन मार्केट से परचेज़ की है। तो और अगर आपके पास प्रॉब्लम है इस चीज़ की कि आपके पास ऑफलाइन मार्केट में ये अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो आप इसको ऑनलाइन भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। आपको 300 रुपये से लेकर 350-400 रुपये तक ये लाइट जो है आपको मिल जाएगी। तो उसका लिंक मैंने ऑनलाइन परचेज़ करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी इस लाइट से रिलेटेड आपको दे दी है। इसको आप सीलिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने PVC सीलिंग करा रहे हैं या आप अपने जो है दोस्तों POP सीलिंग वगैरह करा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बेझिझक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होने वाली है। पानी वगैरह की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है, क्योंकि पानी वगैरह की थोड़ी मोड़ी छोटे छींटे लगने पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। IP65 की रेटिंग यहाँ पर दी गई है, जैसा कि कंपनी क्लेम करती है। तो सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। वीडियो आपको पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।